हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल जायका किचन। गर्मियों का सीज़न चल रहा, आम इस टाइम बहुत आ रहे हैं और आम खाने का सबका मन करता है। आम की आइसक्रीम हुई, पुडिंग हुई एंड कस्टर्ड हुआ, तो आज हम आम और छेना की ये पुडिंग बनाएंगे। आप इसे डेजर्ट भी बोल सकते हो। वीडियो बहुत ही मज़ेदार है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसके लिए छेना तैयार करना है। छेना के लिए मैंने आधा लीटर दूध लिया है और दूध को गर्म होने देते हैं। तो दूध में इस तरह से बॉयल आ जाए तो गैस को हम ऑफ कर देते हैं। तो मैंने 2 चम्मच विनेगर और 2 चम्मच पानी डाल के इसमें दूध में डाल देते हैं। आप चाहो तो नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो बस इस तरह से घुमाएँगे तो 1 ही मिनट लगता है। तो इस तरह से दूध हमारा फट के तैयार हो जाता है, यानी कि हमारा छेना तैयार हो जाता है। तो आइए इसे हम छान लेते हैं। तो मैंने चलने के ऊपर इस तरह से एक कपड़ा रख दिया है। कपड़े के ऊपर इसको हम एक्स्ट्रा जो पानी होगा वो नीचे निकल जाएगा। तो इसमें छेना को हम छान लेते हैं। अब छेना को छानने के बाद इसमें आधा गिलास करीब हम सादा पानी डालेंगे, जिससे क्या होगा जो विनेगर का जो खट्टापन है वो निकल जाएगा। और इसको अच्छे से हम निचोड़ के और 10 से 15 मिनट, तो 10 से 15 मिनट के लिए इसके ऊपर एक 10 मिनट रख देते जिससे जो एक्स्ट्रा पानी हो। तो छेना हमारा ये तैयार है। अब छेना को हम मिक्सी के जार में ग्राइंड करने के लिए इसको हम तोड़ कर डाल लेते हैं। तो ये हमने आम ले लिया, आधा लीटर का हमने छेना तैयार किया है। तो आम अपने हिसाब से इसमें कम ज़्यादा इस्तेमाल कर सकती हो। तो मैं इसमें 2 आम इस्तेमाल करूँगी। इस तरह से इसका गूदा निकाल के कट कर लेते हैं हम, और छेना के साथ ही इसको हमें पीसना है। तो मिक्स, तो जार में हम आम को कट करके ले लेते हैं, क्योंकि छेना के साथ ही इसको हमें पीसना है। और मीठे के लिए इसमें मैंने 4 चम्मच करीब चीनी ऐड की, क्योंकि आम हमारा बहुत ज़्यादा मीठा है। क्योंकि थोड़ा सा आम में खट्टापन हो तो उसके हिसाब से चीनी आप ऐड कर सकते हो। तो 4 से 5 चम्मच चीनी काफ़ी, और इसमें आधा गिलास हमने दूध ऐड किया है। तो देखिए पीस कर ये हमारा बिल्कुल तैयार है। ये देखिए इतना गाढ़ा इसको हमें ये चाहिए। तो ये पुडिंग बनाने के लिए मैंने ब्रेड ली है, तो इसके जो कॉर्नर हैं ये निकाल देते हैं हम कट करके। तो ब्रेड के कॉर्नर कट करके हमने ले लिए हैं। और ये मैंने घर की फ्रेश मलाई ली, दूध के ऊपर पड़ जाती वही मैंने ये 4 चम्मच करीब मलाई ली है। और इसमें साथ में थोड़ा सा मलाई के साथ जो दूध आता है वो भी मैंने थोड़ा ले लिया है। और इसमें एक जो पैकेट आता है ना 10 रुपये वाला, तो मिल्क पाउडर इसमें हम ऐड कर लेते हैं। अगर ये थोड़ा थिक लगे आप इस तो आप इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर सकते हो, क्योंकि गाढ़ा नहीं, थोड़ा सा हमें हल्का ये पतला चाहिए जिससे कि ब्रेड में अच्छे से ये सोख ले। तो मीठे के लिए अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें पिसी हुई चीनी 1 चम्मच ऐड कर सकते हो। इसमें मैंने थोड़ा सा दूध ऐड किया है क्योंकि ज़्यादा मुझे थिक लग रहा था ये। तो मीठे के लिए इसमें मैंने 1 चम्मच पिसी हुई चीनी ऐड कर लेती है। तो इस तरह से मैंने एक प्लास्टिक का बॉक्स ले लिया है। अगर आपके पास कांच का इस तरह से बॉक्स आता है अगर वो, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप थाली भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो आपके पास सुविधा हो उस हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो। तो ब्रेड लेके जो मलाई और जो मिल्क पाउडर का हमने ये तैयार किया था, इसको अच्छे से ब्रेड पर हम कोट कर लेते हैं। तो इस तरह से दूसरी ब्रेड लेके इसके ऊपर लगा के और इस पर हम डब्बे में ब्रेड को इस तरह से कवर करते हुए लगा कर दूसरी ब्रेड भी इस तरह से हम लगा देते हैं। तो इसकी डबल लेयर लगानी है हमें ब्रेड की। तो ये साइडों में भी हम ब्रेड तैयार करके कट करके लगा देते हैं जिससे एक सारी हो जाए। हमने जो आम ये छेना को तैयार किया है इस पर एक पतली सी लेयर ब्रेड के ऊपर पूरी उस पर हम लगा देते हैं। बस ये लगाने के बाद में इसी तरह से दूसरी ब्रेड हम तैयार करेंगे, तो डबल ब्रेड की इस पे एक लेयर यानी इस पे एक और लगानी है हमें। अब इसके ऊपर इसी तरह से हमने ब्रेड तैयार कर ली है, मलाई और ये लगा के एक कोट और इसके ऊपर ब्रेड का हमें तैयार करना है। ये देख सकती हो 2 लेयर हो गई हमारी ब्रेड की। अब इसके ऊपर हम ये जो बाकी की हमारी मलाई बची है जो तैयार की थी हमने, इसके ऊपर अच्छे से हम फैला देते हैं बची हुई को। उसके ऊपर छेना और आम की
जो प्यूरी हमने तैयार की इसको हम फैला देते हैं, यानी डबल कोट का हमने इसको कर लिया है। खाने के लिए पुडिंग हमारी बिल्कुल तैयार है। अगर आपको इसके और मज़ेदार और टेस्टी बनाना है तो इसके ऊपर हम ड्राई फ्रूट चॉप करके फैला देते हैं। तो पहले इसमें हमने आम को बारीक चॉप करके आम के क्यूब्स कट करके इसके ऊपर फैला देते हैं, क्योंकि आम और छेना की पुडिंग बना रहे हैं तो आम के इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसके ऊपर हम चॉप करके, ये मैंने काजू लिए और बादाम, तो बारीक चॉप कर लिए, इस तरह से फैला देते हैं काजू और बादाम। के बाद इसके ऊपर मैंने पिस्ते से इसको और गार्निश किया। देखने में बहुत ही मज़ेदार लगे, खाने में तो इतनी टेस्टी बनती है। तो ये हमारी खाने के लिए तैयार है, पर हम इसको ठंडा करके खाएंगे। तो 2 घंटे के लिए मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी सेट होने के लिए। इससे बहुत ही ये चील्ड हो जाएगी ना, तो बहुत ही मज़ेदार ये लगती है। तो आप इसे 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखेंगे जिसे अच्छे से ये ठंडी हो जाए। तो 2 घंटे बाद मैंने इसको निकाल लिया है। तो इसको, इसके ढक्कन को हम उठा देते हैं। देखिए तो ये बहुत ही एकदम ठंडी हो गई, तो बहुत ही टेस्टी लगती है ये। तो आप इसको अपने मनचाहे पीस में कट कर सकते हो। तो पहले, सबसे पहले बीच में से कट लगा लेते हैं और दूसरा कट और लगा लेते हैं। स्क्वायर शेप में इसको हम कट कर लेते हैं। तो इसको हम अब निकाल लेते हैं एक प्लेट पर, एक कट करके। तो देखिए ये पीस हमारा निकल कर तैयार है। तो देखा, बहुत ही टेस्टी है ये और बहुत ही मज़ेदार लगता है। अगर आप आम खाने के शौकीन हो तो आपको 100% ये पुडिंग या डेजर्ट बहुत ही पसंद आएगा। अगर आज का वीडियो यूज़फुल है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।